न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, जेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड। आसनसोल में जीटी रोड पर एक और दुर्घटना, मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार की ली जान, विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम, लेकिन आम लोग हुए हलकान। दुर्गापुर में जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने प्राइवेट अस्पताल धनेशन हॉस्पिटल को सील कर कराया बंद, लाइसेंस रिन्यूअल संबंधी कागजात जमा नहीं करने के कारण हुई कार्रवाई। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार वर्तमान और पूर्व महाप्रबंधकों समेत सिक्योरिटी अधिकारियों को नहीं मिली बेल, फिर भेजे गए 14 दिनों के जेल कस्टडी में। शिक्षक भर्ती घोटाले में जारी है प्रदर्शन, इस बार सीपीआई एमएल ने दोषियों को गिरफ्तार करने के मांग पर किया प्रदर्शन। फेमस फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल के स्थापना दिवस पर खिलाई गई इलिश मार्च। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित संत पैट्रिक स्कूल के सामने एक मिनी बस ने खड़ी बाइक पर सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 35 वर्षीय मोहम्मद सलाउद्दीन रेलपार जहांगीर मोहल्ला का निवासी था, वह फेरी कर अपना आजीविका चलाता था। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक इसकी खबर मृत युवक के साथी आज हसीम ने मृतक के परिजनों और अपने साथियों को दी। खबर सुनकर काफी तादाद में जहांगीरी मोहल्ला के निवासी और मृतक के परिजन आसनसोल सिटी बस स्टैंड पहुंचे और चालक को गिरफ्तार करने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सिटी बस स्टैंड के समीप जीटी रोड को जाम कर दिया। इसके बाद आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया कि शाम तक वे चालक और बस मालिक को बुलाकर उनको उचित मुआवजा दिलाएंगे। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मिनी बस चालक के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना के संबंध में मृतक के साथ जा रहे उनके साथी अरबाज हसीम ने बताया कि वे लोग रोज की तरह आज भी सुबह 5 बजे अपने काम पर जा रहे थे। इधर घटना की सूचना पाकर के पार्षद भी आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को यह आश्वासन दिया कि वे उन लोगों को उचित मुआवजा दिलाने में मदद करेंगे। बजे ठीक है ना, वहाँ पे 5 बजे पहुँचे, वहाँ पे उसको स्टिंजर लगा, गाड़ी वहाँ पे रोके हम लोग साइड पे, ठीक है ना, हम लोग जाना था काम पे 5 बजे, ठीक है, 5:45 निकलते हम लोग वहाँ से, रूम हम लोग चेडान में लिया हुआ माल पैक करके हम लोग रखा हुआ था, तो स्टिंजर करके रोकने गाड़ी रोकबे किए हम लोग, और स्टिंजर करके जा रहा था, यानी पार कर रहा था, पार कर रहा तो तेरे ब्रेकेट जो नहीं था वो वाला बहुत पिकअप में था भैया, मारा जो संगे संग खत्म, बस यही मार के उसका साथ में, तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, समझ लिया, अपना गाड़ी में हम बैठे हुए थे, गाड़ी ले ले दे ले, हम पहले उसका पीछू भागे, पीछू भागने बाद रुकबे नहीं कर रहा, और दो गाड़ी था और दोनों मेरा बीच में दाबने की कोशिश कर रहा, तो फिर लास्ट टाइम उसको जाने दे दिए, वो घुसा दिया बस स्टैंड, हम आगे से उसको देखे कि गाड़ी रोका है, आगे जाकर उतना देर में पसिंजर उसे सब उतरने लगा, उतरने के बाद वो भी उतर गया, ड्राइवर को तो पहचान नहीं कहे, ड्राइवर तो यहाँ का है ना, गाड़ी तो गुरंडी का है, पहचान नहीं सके, वो भी पसिंजर सब उतर ही है, हाँ तो ऑफिसर है, गाड़ी वही उतर ही है पसिंजर से बस स्टैंड में। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कांकसा में बमुनारा के पास दनेशन अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर अस्पताल को बंद कर दिया। नवीनीकरण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 10 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है और 10 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया जाता है। 10 दिन बीत चुके हैं और दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। नवीनीकरण दस्तावेज जमा नहीं होने के कारण सोमवार दोपहर 12 बजे निजी अस्पताल को बंद कर दिया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है, अस्पताल को सील कर दिया गया। जिला के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने कहा कि अगर अस्पताल के अधिकारी कुछ दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जमा कर देते हैं तो अस्पताल को फिर से खोलने का आदेश दिया जाएगा। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लाइसेंस अकाउंट कैंसिल হয়েছে সেই জন্য বন্ধ করা হয়েছে কারণ যদি লাইসেন্স আবার পায় আবার চলতে পারে ওনারশিপ এবং টেনেন্সি কে মালিক এবং কে ভাড়াদার সেটা নিয়ে একটা কনফিউশন হয়েছে ওনার যে কাগজপত্র দিয়েছে তাতে কনফিউশন হয়েছে সেটা ওনারা ক্লিয়ার করতে পারেন সেই জন্য লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করা হবে লাইসেন্সকরণের সময় কি এই গভর্নমেন্টের ভাড়া হ্যাঁ আগে যে কাগজ দিয়েছে তার সঙ্গে রিনিউ করার সময় যে কাগজ দুটো মিল ছিল না বিল্ডিং নিয়ে কি কোনো সমস্যা আছে
বিল্ডিং ওনার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং সেটা নিয়ে একটা কেস চলছে, সেটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না। না বাকি বাকি সব লাইসেন্স ওনাদের, যদি ওনারা সব কাগজপত্রের উত্তর সঠিকঠাক দিতে পারেন, ওনারা আবার নতুন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, যদি সব কিছু ঠিক থাকে আবার পেতেও পারেন। যারা স্যার এখানকার এমপ্লয়ি যারা কাজ হারলো তাদের জন্য না আমাদের আমাদের কোনো सील की रामनगर कोलेरी के महाप्रबंधक कार्यालय पर कोलेरी के श्रमिक बच्चों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। उनके साथ उनके अभिभावक भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे। बस सेवा मुहैया कराने की मांग पर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। गौरतलब है कि कुल्टी बेगोनिया क्षेत्र के रामनगर कोलेरी के श्रमिक बच्चों के लिए प्रबंधन के तरफ से स्कूल आने जाने के लिए बस मुहैया कराया गया था, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद हो जाने से इस बस सेवा की निलंबन कर दिया गया। फिर जब स्कूल खुली तो प्रबंधन ने एक छोटा बस मुहैया कराया जिसमें 60-70 बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन बच्चों ने एक सप्ताह पहले ही प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी, इसके बावजूद भी प्रबंधन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद सोमवार को बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ बस सेवा मुहैया कराने की मांग पर सोमवार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि अपने अभिभावकों का आधार कार्ड और परिचय पत्र एवं अपना स्कूल परिचय पत्र देने के बाद भी उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। আজকে আমাদের এখানে যে বাস দেওয়া হয়নি, অন্যরা যাচ্ছে আবার আমরা যাব না, এটা কোনো নিয়ম হয়েছে ওদের? ওরা লিস্টে দেখে নাম চাপাচ্ছে, অথচ আমরা যে গ্রামের আমাদেরকে চাপাচ্ছে না কেন? আমি তো সেদিন গিয়েছিলাম, আমাকে বাস থেকে কেন নামিয়ে দিয়ে হলো? আমি তো এই গ্রামেরই না, তাও কেন হচ্ছে এটা? অন্যরা যেতে পারছে না, কজন যাবে, গাড়ি ফাঁকা যাবে, অথচ আমরা যাব না? আমাদের এখান থেকে যেতে অসুবিধা হয়, কেন কি টেম্পুর ভাড়া রোজ 100-100 করে লাগবে, অত টাকা কোথায় পাবো? একে তো আমাদের এখানে কাজ বন্ধ আছে, বাবা মারা অত টাকা কোথা থেকে পাবে? আমরা রোজ যাব, আমাদের পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে না? আজকে আমাদের এই অপশন হলো, কালকে অপশন, এমনি করে গোটা সপ্তাহটা আমাদের অপশন হয়েছে, আমরা কি পড়াশোনা করবো না? কতজন তোমরা স্কুলে যেতে পারছো? আমরা অনেক জনাই আছি, 60 জনা মতন, 60-70 জন আমরা যেতে পারছি না। আজকে এখানে কি করছো তোমরা? আজকে জিএম এর সাথে কথা বলতে এসেছি, কেন কি আমাদের বাস কেন দেওয়া হচ্ছে না? আসানসোল আর পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান জেলে মে জনসন বাথরুম কা একমাত্র এক্সক্লুসিভ শোরুম সুধা উদ্যোগ। হামারে ইহাঁ আপ পায়েঙ্গে জনসন বাথরুমস কে আধুনিক আর স্টাইলিস বাথরুম ফিটিং কালেকশন, স্যানিটারি ওয়্যার, ফসেট, কিচেন সিঙ্ক, বাথ ক্যাবিনেট, শাওয়ারস, ওয়াশ বেসিন আর অন্য জরুরি চিজে। আগর আপ বনা রে নয়া ঘর ইয়া ফির কর রহে হ্যায় রেনোভেট, তো ফির দের কিস বাত কি, চলে আয়ে সুধা উদ্যোগ। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250-399-450 एंड 7866-800-710। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जैसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड, आसनसोल सेंटर। CBI ने सोमवार को कोयला तस्करी मामले में ECL के 8 अधिकारियों को आसनसोल के विशेष CBI अदालत में पेश किया, जहां जज ने इन अधिकारियों की एक बार फिर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उन्हें 14 दिनों के लिए जेल हिफाजत में भेज दिया। गौरतलब है कि पिछले 18 जुलाई को कोर्ट ने जेल हिफाजत में भेजा था, 1 अगस्त को पेशी करने का आदेश दिया था। हम आपको बताते चले कि कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला से संपर्कों और मोटी रकम लेने के आरोप में 8 लोगों को 18 जुलाई को CBI कोर्ट में पेश किया गया। CBI द्वारा गिरफ्तार ECL के एक वर्तमान महाप्रबंधक और 4 पूर्व महाप्रबंधक तथा एक पूर्व प्रबंधक समेत 2 सुरक्षा कर्मियों को सोमवार को आसनसोल विशेष CBI कोर्ट में पेश किया गया। इसमें से 7 लोगों को 13 जुलाई को और एक पूर्व GM को 15 जुलाई को पहले CBI ने कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया था और वापस कोलकाता लेकर चली गई थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद इन्हें कोलकाता से 5 टोयोटो इनोवा गाड़ी से लेकर CBI अधिकारी आसनसोल पहुंचे, कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए पुनः जेल हिफाजत पर भेज दिया और 1 अगस्त को पेश करने की निर्देश दिया। गौरतलब है कि CBI ने पिछले ECL के वर्तमान महाप्रबंधक SC मैत्रेय और पूर्व प्रबंधक अभिजीत मल्लिक, सुशांत बनर्जी एवं तन्मय दास, प्रबंधक मुकेश कुमार तथा 2 सुरक्षा कर्मी देवाशीष मुखर्जी और रिंकू बेहरा को कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पांडेश्वर एरिया के पूर्व GM सुभाष मुखर्जी को CBI कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मान्य अदालत सब कुछ सुनेছিলেন, আমাদেরকে বলবার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু আলটিমেটলি প্রেয়ারটা এলাও করেননি, বেল রিজেক্ট করেছেন, 16 তারিখে আবার শুনানি দিন দিয়েছেন। পিপি যেটা দাবি করেছেন যে ওনাদিকে যদি বেল দেওয়া হয় তাহলে পিপি দাবি করেছেন ওনাদিকে যদি বেল দেওয়া হয় ওনারা নাকি এভিডেন্স টেম্পার করতে পারেন এবং ওনাদিকে ফার্দার ইন্টারোগেশনের দরকার আছে। এখানে আমাদের খুব অবাক লাগলো, চার্জশিট হয়ে গেছে, চার্জশিট সাবমিটেড 19 জুলাই। CBI কিন্তু 41 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে, তার মধ্যে এই যে 8 জন অ্যারেস্টেড হয়ে আছেন, এনারাও আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কী করে এনাদিকে ফার্দার ইন্টারোগেশন করা যাবে, অন হোয়াট বেসিস, এবং চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পর এনারা কী ডকুমেন্ট টেম্পার করতে পারেন, এটা তো মাথায় ঢুকলো না। বিশেষ করে 2 জন জেনারেল ম্যানেজার আছেন যারা 2020 সালে রিটায়ার করে গেছেন, তারা সার্ভিসেও নেই, কাজে তারা যে ডিপার্টমেন্টেও কোনো ডকুমেন্ট টেম্পার করতে পারেন এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। জানি না মহামান্য আদালত হয়তো কিছু বুঝেছেন যে কারণে আমাদের প্রেয়ারটাকে রিজেক্ট করেছেন। पश्चिम बर्धमान जिला CPIML के द्वारा सोमवार को आसनसोल जिला अदालत के समीप घड़ीघर के पास शिक्षक नियुक्ति घोटाला के विरोध में एक प्रतिवाद सभा किया गया। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक नियुक्ति घोटाला के विरोध में प्रतिवाद सभा कर रहे हैं। चाहिए शुद्ध प्रार्थना এর সঙ্গে জড়িত যারা আছে তাকে শাস্তি দিতে হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই দায়টাকে অস্বীকার করতে পারেন না, ফলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও দায় স্বীকার করতে হবে। সাথে সাথে আমরা বলছি যে ঘোলা জলে মাছ ধরে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। এই বিজেপির যে বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী, তাকে দেখা গেছে বিগত দিনে টিভির পর্দার সামনে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ঘুষ নিতে, তার বিরুদ্ধে এটি তদন্ত হোক, বা বিজেপি সরকারে যে মন্ত্রীরা আছেন সেই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেন ইডি তদন্ত করছে না, আমরা এরও দাবি জানাচ্ছি। पश्चिम बर्धमान जिला के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मिर्माय मुखर्जी ने सोमवार को मिनी बस मालिकों के साथ बैठक की। इस बैठक में टोटो चालकों के लिए कुछ गाइडलाइन निर्धारित करने को लेकर चर्चा की गई। RTO अधिकारियों ने कहा कि टोटो इस गाइडलाइन के अनुसार ही चलेंगे। गौरतलब है कि मिनी बस रूट पर भी टोटो चालकों के द्वारा सवारियों को उठा लिए जाने से और उनके रूट में टोटो चलने से आक्रोशित मिनी बस मालिकों ने पिछले कई दिनों से जामुड़िया से बस मिनी बस परिचालन को बंद कर दिया।
दिया है। मिनी बस परिचालन को पुनः शुरू करवाने को लेकर आज जिला RTO अधिकारी ने बैठक की। बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा के बाद मिनी बस मालिकों ने मंगलवार से परिचालन शुरू करने का आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं कि RTO अधिकारी ने ऑटो चालकों को क्या गाइडलाइन दिया है। जामुरिया थाना থেকে সেকেন্ড অফিসার এসেছিলেন, জামুরিয়া ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ছিলেন, মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ছিলেন এবং টোটাল ইউনিয়ন ওনারাও ছিলেন। সবাই মিলে আমরা একটা মিটিং করলাম। তো একটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে কিছু কিছু গাইডলাইন মেনে চলতে হবে টোটোগুলোকে। যেমন কিছু কিছু জায়গায় ওয়ান ওয়ে চলবে, কিছু কিছু জায়গায় বাসের থেকে তারা ডিস্টেন্স বজায় রাখবে, এভাবে চলবে। কিছু কিছু নিয়ম আমরা আলোচনা করলাম, সেইটা নিয়ে আমরা ওনারা আপাতত রাজি হলেন, মিনিবাসের লোকেরা, যে ওনারা কাল থেকে সার্ভিস চালু করছেন এবং আমাদের MVI টিম এবং ট্রাফিকের টিমও থাকবে রাস্তায়, যাতে में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को सवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को सवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। अलेक्सा, टर्न ऑन माय कार्स AC। Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। ईस्ट बंगाल के 103वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को रविंद्र भवन इस्पात नगर दुर्गापुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय पूर्व नगर निगम पार्षद पल्लव रंजन नाग की पहल पर लाल और पीले समर्थकों के साथ ईस्ट बंगाल क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब का झंडा फहराकर किया गया। पल्लव रंजन नाग ने बताया, ईस्ट बंगाल बंगाली फुटबॉल जगत का जुनून है। उन्होंने कहा कि इस दिन करीब 100 लोगों को हिलसा मछली खिलाने की व्यवस्था की गई थी। ক্লাব দা তাই আমরা আজকে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজকে ক্লাবের জন্মদিন পালন করলাম। তার সাথে সাথে আমরা আজকে প্রায় 100 লোককে ইলিশ মাছ খাওয়াবো। এটা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান নয়, এটা বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতি। খেলা বাঁচলে বাংলা বাঁচবে, আর ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান একটা আবেগ, একটা ভালোবাসা।
पश्चिम बर्धमान राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त से 12 अगस्त तक भारत छोड़ो भाजपा पद यात्रा निकाली जाएगी। यह पद यात्रा चितरंजन से शुरू होकर बुधबुद में जाकर समाप्त होगी। इसकी जानकारी पश्चिम बर्धमान जिला राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति दिवेश चक्रवर्ती ने सोमवार को बनपुर स्थित इंटर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। इस बार कांग्रेस के तरफ से भाजपा भारत छोड़ो नारा के साथ चितरंजन से बुधबुद तक 4 दिवसीय पद यात्रा निकाली जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी जिन 9 अगस्त दाग दिए 1942 साले बोले जे इंग्रेज तुम्हें भारत छाड़ो जे 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन डाक दिए एबारे स्वाधीनतार 75 वर्षे हमारा एबार बीजेपी डिवाइड एंड रूल पॉलिसीर उपरे तार प्रतिबाद जानिए समस्त ध्वंसात्मक जे काजकर्म करछे जेभावे दिनेर पर दिन द्रव्य मूल्य बृद्धि थेके शुरू करे गैस पेट्रोल डिजेलेर दाम बृद्धि पाच्छे कृषकदेर उपर अत्याचार श्रमिकदेर उपर अत्याचार ব্যবসাদারদের উপর অত্যাচার বেকারদের উপর আঘাত আনা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিন আগামী 9 তারিখ থেকে 12 তারিখ আমরা চিত্তরঞ্জন থেকে বুদবুদ 4 দিন ধরে আমরা একটা পদযাত্রা করছি যে পদযাত্রার নাম আমরা দিয়েছি ভারত জোড়ো পদযাত্রা। आसनसोल नॉर्थ हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सोमवार को आसनसोल रेल मंडल प्रबंधक परमानंद शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें दिव्यांगों को रेलवे के द्वारा रियायती टिकट और उनके एनजीओ को रेलवे का साइकिल स्टैंड का टेंडर देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद संस्था के महासचिव मोहम्मद हलीम खान ने कहा कि वह पिछले महीने भारत सरकार के रेल मंत्री से मुलाकात की थी। वहां उन्होंने मंत्री से कहा था कि रेलवे के द्वारा दिव्यांगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 17 मई को जाना हुआ रहा दिल्ली रेल मंत्रालय को भी डिपुटेशन दिए थे कि सर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा, हम लोगों को विकलांगों को रेलवे से हटाया जा रहा, विकलांगों को केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, हम लोगों को राहत दिया जाए। तो वहां से हम लोगों के पास 28 जून को एक टीम IW का आया था और आके हमसे पूछताछ किया था कि आपसे रेल मंत्री पूछ कर रहा कि क्या चीज़ आप लोगों को चाहिए, क्या रिमांड है आपका। तो हम लोगों ने रिमांड में लिख के भेज दिया था कि सबसे पहले हम लोगों को हैंडीकैप लोगों को जो रेलवे कंस्ट्रक्शन दिया गया है वो बंद कर दिया गया, इसको फौरन चालू किया जाए। दूसरी बात, आसनसोल रेल पार्क का उत्तरी इलाका में जो माजूर हैंडीकैप हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है, इनके लिए रेल का बहुत सारा यहाँ पे काम होता है, रेल का बहुत सारा स्टैंड है, पार्किंग है, तो ये पार्किंग जनरल लोगों को दिया जाता है जिससे वो कमा के पूंजीपति बन रहा। NGO को अगर दे दिया जाएगा तो तकरीबन 200-300 हैंडीकैप का कुछ फ़ायदा होगा। भारत में छात्रों के लिए संगठित कोचिंग के अग्रदूत एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ACI ने 5 से 10 के बीच के छात्रों के लिए भारत का सबसे बड़ा प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा शुरू करने की घोषणा की जिसका नाम टेलेटेक्स 2023 है। दुर्गापुर के अकादमिक प्रमुख देवाशीष सन्याल और NL दुर्गापुर के टीम ने LN दर्पण कैंपस में आयोजित लॉन्चिंग समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रतियोगिता के पोस्टर और ब्रेसर का अनावरण किया गया। इस प्रोत्साहन परीक्षा पर टिप्पणी करते हुए दुर्गापुर के अकादमिक प्रमुख देवाशीष सन्याल ने कहा, टेलेटेक्स 2023 सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक है जो पूरे भारत में प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करता है। इस साल परीक्षा 9 और 16 अक्टूबर 2022 के बीच एक ही चरण में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा 16 अक्टूबर को दुर्गापुर में आयोजित की जाएगी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड।